राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई छिंदबहार के विशेष आदिवासी शिविर में उपस्थित थे वॉलेंटियर्स ने ग्राम पंचायत छिंदबहार में चलाया जन जागरूकता अभियान और रोड का किया समलतीकरण। ग्राम पंचायत के सोलियापारा के लोहरा मुंडापारा के रोड के गड्ढे से भर करके समतल किया। साथ ही ग्राम पंचायत में नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं तुलाराम कश्यप, जनपद सदस्य दरबा और शासकीय हाई स्कूल का शिक्षक समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो यहाँ के शिक्षक हैं, इनके द्वारा जो मेरे सोच के अनुसार कार्यक्रम और जो NSS का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, तो कार्यक्रम के अधिकारी मरावी सर और बरनाला सर सहायक अधिकारी, इन्होंने हर समय NSS के माध्यम से हर साल NSS का तीसरा साल है, मन पहले सबसे पहले कोयनार में NSS कार्यक्रम रखा गया, दूसरा साल में चिंदबहार में, तीसरा फिर चिंदबहार में रखा गया है। इन्होंने जो हमारे गली मोहल्ला की जो साफ सफाई, रोड नाली, ये सब का, और जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत में पौधारोपण का कार्यक्रम, ये सब चीज़ करवाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो छात्राओं को कि पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने काफ़ी बारीकी से गांव का जो रीति रिवाज है उनके बारे में, नशा मुक्ति हो या पौधारोपण हो या फिर ना जनरल नॉलेज हो या फिर सांस्कृतिक के माध्यम से गांव वालों को लगातार इन लोग जागरूक करते आ रहे हैं। और सर आपको बता दूं कि जो चिंदबहारा स्कूल है, इस यहाँ के बच्चे काफ़ी एक्टिव है, जो हमारे ब्लॉक स्तर में भी हमेशा प्रथम आते हैं और हमारे स्कूल का नाम रोशन करते हैं। बस धन्यवाद जी। मैं प्रमोद कुमार मरावी, कार्यक्रम अधिकारी NSS इकाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदबहार, और हम 7 दिवसीय शिविर यहाँ पर लगाए हुए हैं। पिछले बार जब हम यहाँ शिविर लगाए थे, सरपंच महोदय ने हमसे आग्रह किया कि पुनः हमारे गांव में शिविर लगाइए, क्योंकि हम आपके कार्यों को नहीं समझ पाए थे, अगले बार आपको सहयोग करेंगे। तो हमने बिल्कुल यहाँ पर सरपंच सचिव महोदय के निवेदन को स्वीकार भी किया, और आज जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हमें कुछ ऐसा कार्य बताइए जिससे कुछ बड़ा संदेश जाए। तो हमने आपस में मीटिंग भी किया, और सबसे बड़ी चीज़ पहले दिन हम जो वर्किंग किए थे, यहाँ के जो छिंदबहार जो गांव है वो कोई एक तालाब है जिसका नाम छिंदबहार के नाम से, उसी पर तालाब छिंदबहार एक गांव का नाम पड़ा, उसको भी उसका भी हमने सफाई किया। देवगुड़ी है, वहाँ पर हमने साफ सफाई किया, मार्किंग किया। और आज सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, क्योंकि इस रास्ते से हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं और ग्रामीण जन भी काफ़ी यहाँ से आते हैं, लोगों को बहुत असुविधा होती, क्योंकि मैं भी कई बार इस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि, और मैंने बात किया गांव के सरपंच सचिव सभी लोगों से, और सबसे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती वाली बात है कि हमें सपोर्ट किए, सहयोग मिल रहा है जिस तरह से। और आज हम देख रहे हैं कि जैसे शाम को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे ग्रामीण जन यहाँ आते हैं, और हमारे बच्चे विभिन्न विषयों पर, जैसे स्वच्छता हो गया, पर्यावरण जागरूकता हो गया, अभी आप देख रहे हैं कि हसदेव जैसे परियोजना में जंगलों को काटा जा रहा है, इन विषयों पर कल बच्चों ने बहुत अच्छा नाटक के माध्यम संदेश दिया, नशा मुक्ति को लेकर के संदेश दिया, बाल सुरक्षा भी यूनिसेफ का कार्यक्रम चल रहा है जिस पर सुरक्षित पारा, सुरक्षित लड़का मन, उस पर भी बच्चों ने सर्वे किया, विभिन्न जैसे कुपोषण, मलेरिया, इन तमाम चीज़ों पर सर्वे करके हम जानकारी आगे की ओर भेजते हैं। और साथ ही साथ नशा मुक्ति हो गया, आज का हमारा थीम है बाल विवाह और सुरक्षित लड़का, सुरक्षित पारा, ये इस पर आज का कार्यक्रम होगा और कल हम हमारी कार्यक्रम की समापन होगी। तो काफी बच्चे भी काफी, आप देखेंगे सर कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो घरों में जितना वर्किंग नहीं करते हैं उससे ज्यादा यहाँ वर्किंग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं NSS की जो सेवा योजना की जो भावना है, राष्ट्र सेवा की जो भावना है ना, NSS को देश की बात कहें तो शिक्षा के साथ समाज सेवा, समाज सेवा की शिक्षा की बात NSS करती है, साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास की बात करती है। तो मैंने इस 7 दिन में बहुत सारे बच्चों में परिवर्तन देखा, जो कभी मंच तक नहीं आ पाते थे, आज मंच से आकर अपनी बातों को बोलते हैं, अपनी बातों को विचार को रखते हैं। तो ये हमारे साला परिवार के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, और हमारे मैं पूरे साला परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे सपोर्ट करते हैं, हमारे प्राचार्य महोदय हो गए, पूरा स्टाफ, जो जब भी हम उनसे रखते हैं कि NSS के द्वारा हमें ये काम करना है, तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं। आज पूरा साला परिवार के माध्यम से पूरा ग्राम पंचायत के हमारे सचिव हैं, उप सरपंच है, सरपंच महोदय है, और तमाम पंच है, पूरे गाँव वासियों का ये सहयोग मिला हुआ है, इस कारण से हम ये काम कर। परिचय देते हो, बताओ। मेरा नाम एलिसा कश्यप है और मैं NSS इकाई छिंदबहार की महादल नायिका हूँ, और हमने इस 7 दिवसीय शिविर में बहुत कुछ सीखा।
मैंने सीखा कि अपने जिम्मेदारियों को संभालने सीखा। इससे पहले जब मैं एनएसएस में नहीं थी तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल नहीं पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, कुछ भी सामने जाकर बोल नहीं पाती थी। एनएसएस के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और इस 7 दिवसीय शिविर में मुझे बहुत अच्छा लगा अपना कार्य करके।